रुक करते हुए प्रदेश की गतिविधियों की ओर, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी गांधी मुक्त हो जाएगी। कांग्रेस में देश भर में टिकट मांगने नहीं बल्कि छोड़ने के हालात बने हुए हैं। वाराणसी से कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को उतारने की बात कही जा रही थी, जबकि ऐन मौके पर अन्य नेता अजय को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी गांधी मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस में देश भर में टिकट मांगने नहीं छोड़ने के हालात बने हुए हैं। वाराणसी से कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को उतारने की बात कही जा रही थी, जबकि ऐन मौके पर अन्य नेता को चुनाव में उतार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, अब उन्हें देश से भी माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नेता विपक्ष बताएं कि रामलाल को हारने के लिए क्यों धक्का दे दिया। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के नामांकन उपरांत दाड़ी में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि नेता विपक्ष को ना जाने क्या जल्दबाजी लगी रहती है, ऐसे में हारने के लिए रामलाल ठाकुर को चुनाव में धकेल दिया है। जयराम ने आरोप लगाया कि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट होने का दिखावा कर रहा है, जबकि पीएम के नाम पर भी सभी एक दूसरे से अपना नाम घोषित करने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस का नेता बोल जाए, अच्छे बोल जाए कि उन्होंने ये किया है, उस प्रकार से काम किया है, इस प्रकार से काम करने की बात सोच रहे हैं, तो भी हमें यकीन होता कि इनके नेताओं के लिए कुछ गुण है जिसका जिक्र भी कांग्रेस के नेता करने की परिस्थिति में, लेकिन जिक्र किस बात का होता, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मोदी जी ने देश को कांग्रेस मुक्त किया और अब के चुनाव का परिणाम देश भर का जब आएगा तो मैं इस बात को कह रहा हूं, देश पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त होगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है गांधी मुक्त हो जाएगी, ये भी बात पक्की लग रही है। क्यों सारे एक्सपेरिमेंट जो है मुझे लगता है कि करते करते अब जो है प्रियंका गांधी तक पहुंच जाएगी। छोड़ डाला था, बहुत छोड़ डाला था कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी को ललकारेंगे वहां पर। अब हम आज पढ़ रहे थे, कोई नाम मुझे याद नहीं है किसको कैसे टिकट दे दिया वहां, किसी को टिकट दे दिया, हाँ कोई और नाम है कोई जो पिछली अजय नाम है शायद निकल अजय, जो भी नाम है जो भी है तो, लेकिन कहां चलेगी प्रियंका जी, कहां चलेगी, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्ची बात है ये परिस्थिति पूरे देश भर नहीं हिमाचल प्रदेश में भी टिकट मांगने के बजाय टिकट छोड़ने की बात की बात है। भाई लड़ने लायक हालात नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। हमने तो टिकट का निर्णय 15 मिनट की बैठक में किया और टिकट घोषित हो गए चारों सीटों में, और यहां कांग्रेस पार्टी का देखिए, हमारी चार सीटों का ऐलान होता है कि ये चुनाव लड़ेंगे, किशन कपूर जी कांगड़ा चंबा से लड़ेंगे, हमीरपुर से जो है अनुराग ठाकुर जी लड़ेंगे, शिमला से सुरेश कश्यप लड़ेंगे, मंडी से रामस्वरूप लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम क्या किया, जो पैनल दिल्ली भेजा था वो वापिस ले लिया, अभी बदलना पड़ेगा। हमने कहा क्यों बदलना पड़ेगा, नहीं बोलते जी भाई इससे गुजारा नहीं होगा, हमने कहा बेहतर ढूंढिए, कोशिश करिए, कोई आपने कोई बड़ा तगड़ा आदमी कौन है उसको लगाइए, सारे तगड़े तगड़े जो है वो इधर गुम हो गया, कोई उधर गुम हो गया। मंडी का नॉमिनेशन हुआ, कुछ लोग भावुक हो गए मंच पर और किसी नेता ने एक बात कही कि आया राम गया राम बोलते मैंने बोल दिया है इशारा का, इसके बाद उन्होंने बोला ही कुछ, और जाकर के हमीरपुर में किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सफाई की जरूरत थी और उसमें कुछ हद तक सफलता हासिल हुई, वो उनका काम करने का तरीका है। मैं उन सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व एकजुट होकर के काम कर रहा है, सिर्फ जीत चाहिए, जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए, मोदी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। और मैं अपना सौभाग्य सब मानता हूं कि 1.25 साल की हिमाचल प्रदेश की सरकार चलाने में मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का जो सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला, जहां भी जिस रूप में मुझे आवश्यकता लगी,
सहयोग के समर्थन की वो मुझे मिला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन तेल और पानी जैसा है जिसका कभी तालमेल नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अरे भाई, कुछ भी नहीं किया तो महागठबंधन किस लिए बना रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवार नियुक्त करने में 15 मिनट से भी कम का समय लगाया। हमारे उम्मीदवार को देखकर सारे तगड़े कांग्रेसी अपनी साख बचाने के लिए एक दूसरे को इस चुनाव में आगे धकेलने में लग गए थे। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी सब्र संयम रखे, हम जीत रहे हैं। सतपाल सत्ती पर सीएम ने कहा कि शुरुआत कहाँ से हुई, पीएम पर राहुल की टिप्पणी से भावनाएं आहत होना लाजमी है, ऐसे शब्द सुनकर गुस्से में कुछ निकल जाता है। सीएम ने कहा कि जनता में भाजपा को लेकर जोश व जुनून देखने को मिल रहा है। अगर सही शब्दों में कहा जा सकता है, महामिलावट है, जैसे पानी और तेल को इकट्ठा मिला दिया जाए और उसके बाद उस पानी और तेल को देखा जाए, न पानी तेल में मिलता है न तेल पानी में मिलता है। और ऐसी परिस्थिति के बाद जब आप सोचते हैं कि पानी का मैं उपयोग कर लूं, तेल का उपयोग कर लूं, ना तेल किसी काम का रहता है ना पानी किसी काम का रहता है, ये हालात है इस गठबंधन। लेकिन उसके बावजूद भी शोर डाले जाते। आज तो मैं सतपाल जी को बधाई देता हूं, पत्रकार यहां पर फिर तो कलम लेकर के तैयार थे, खबर नहीं निकलता, मूड खराब कर दिया। अब सतपाल जी भी क्या, देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा, शुरुआत कहां से। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता, और प्रधानमंत्री बनने के लिए उसने जिस प्रकार से इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस प्रकार की टिप्पणी की, हमेशा माइक को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बाजू को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अगर ऐसा जिम्मेवार जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो शब्दों का चयन हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भावनाएं सबकी होती है। अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए उन भावनाओं को व्यक्त करने में कई बार कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे शब्द जो है वो गुस्से के कारण जो है फूट पड़ते हैं।